हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11.4 का सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई सीकेंट ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए। सो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, बहुत सिंपल है। तो क्या मैं सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, वन बाई कॉस ए बोल के लिख सकता हूँ। सीकेंट ए को वन बाई कॉस ए लिख सकता हूँ और वन माइनस साइन ए को वन माइनस साइन ए, और ये सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन बाई कॉस ए लिख लूंगा, वन बाई कॉस ए। प्लस टैन ए को क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकता हूँ। ओके, मैं क्या भी ने अभी सिंपल फॉर्म पे रिड्यूस कर लिया फ्रेंड, सीकेंट ए को वन बाई कॉस ए लिख लिया और वन माइनस साइन ए को वन माइनस साइन ए, सीकेंट ए को वन बाई कॉस ए प्लस टैन ए को मैंने लिखा साइन बाई कॉस। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, ये वन माइनस साइन ए जो भी है इसको मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वन माइनस साइन ए इंटू वन वन दैट इज वन माइनस साइन ए बाई, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, कॉस ए हो गया। और इधर देखिए फ्रेंड्स, दोनों में कॉस ए एलसीएम हो गया, तो मैंने कॉस ए एलसीएम निकाल लिया और यहाँ पे बचा क्या, वन प्लस साइन ए। ओके, साइन ए। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाला देखिए, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो जब अपने को पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और नीचे देखिए फ्रेंड्स, कॉस इंटू कॉस ए, सो क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, वन स्क्वायर ए की जगह मैं वन लिखूंगा और साइन स्क्वायर ए लिखूंगा बाई कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। बट अपने को पता है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन है। ओके, बट अपने को, सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी, वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर लिया, बट मेरे को कॉस स्क्वायर का वैल्यू भी तो होना था फ्रेंड्स। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ ना फ्रेंड। तो सॉरी, मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में साइन स्क्वायर ए तो लिया, बट यहाँ पर मैं जो लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली लिखा सो फ्रेंड। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जब ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बचेगा क्या, वन बचेगा। सो आंसर इज वॉट, वन, आंसर वन। आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स। मैंने फिर से एक बार यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, ये जो भी वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। फिर चाहे अपन साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या निकाला मैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर को यहाँ कर दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर है। बट अपन वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वन बचेंगे, वन बाई वन दैट इज वन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड। अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आता तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।